मेरे शौहर के पास जाने की कोशिश की, उसे छूने की कोशिश की ना, हाथ काट दूंगी तुम्हारा। इबादत कहीं नहीं लेके जा रही है, वो बस कमरे में आने से रोक रही है। पहले वो देखती है कि आना चाहती है, तो ये उसे बोलती है कि सुभान तुमसे बात ही नहीं करना चाहता है। कुछ तो कर दिया है कांड, उसने सुभान को बांध के रख दिया है अंदर और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो मन्नत को ये बात नहीं पता और वो मन्नत को अंदर नहीं जाने देगी। समझ में नहीं आता तुम्हें, तुमसे बात करना तो दूर, सुभान तो ब्लैंकेट उठा के तुम्हें देख भी नहीं रहा है। चलो निकलो यहाँ से। कहाँ जा रही हो, सुना नहीं तुमने? सुभान तुमसे बात भी नहीं करना चाहता, बात करना तो दूर, वो तो ब्लैंकेट हटा के तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। अब चलो निकलो यहाँ से। मन्नत को लगता है अभी बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है घर में और सुभान ने उसकी साइड नहीं ली है, तो मन्नत तभी उसे कन्फ्रंट करने जा रही है कि क्यों क्यों ऐसा सब कुछ हुआ, तुम वहाँ से निकल के क्यों आ गए, मतलब सब कुछ होने के बाद इबादत के साथ वो भी। तो मन्नत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है लेकिन इबादत उसे अंदर जाने नहीं दे रही, क्योंकि इबादत ने ऑलरेडी कुछ तो कर दिया है कांड, उसने सुभान को बांध के रख दिया है अंदर और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो मन्नत को ये बात नहीं पता और वो मन्नत को अंदर नहीं जाने दे रही है। इबादत कहीं नहीं लेके जा रही है, वो बस कमरे में आने से रोक रही है। पहले वो देखती है कि आना चाहती है, तो ये उसे बोलती है कि सुभान तुमसे बात ही नहीं करना चाहता है, तो सुभान कवर्ड है ब्लैंकेट में, तो मन्नत को नहीं समझ में आता है, तो वो उसे किसी तरह रूम से बाहर फेंक देती है लिटरली। और फिर मन्नत पूरी रात रूम के बाहर ही सोती रहती है ज़मीन पर बैठ के। उस सुबह उठने के बाद भी इबादत उसे नहीं जाने दे रही है, बट किसी तरह से मन्नत अंदर घुस जाएगी अभी और सुभान से तो मिल ही लेगी, फिर देखेगी कि क्या उसकी हालत है।